हम अम्बेडकर वादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, सीने ये फौलादी हैं। ये ऐसी ऊर्जावान बातें करने वाले बोधाचार्य शांति स्वरूप जी का स्मृति दिवस है, और कहते हैं लोग चले जाते हैं, उनकी यादें हमेशा रहती हैं, और आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें याद किया जा रहा है और उनके सम्मान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है जहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, याद किया जा रहा है। ये समता बुद्ध विहार पश्चिमी पूरी दिल्ली का इलाका, और ये समता बुद्ध विहार यहाँ का जाना माना एक स्थल कहें जहाँ पर बहुजन समाज से जो लोग हैं उनका एक केंद्र रहा है, और शांति स्वरूप जी की वजह से भी, उनके काम की वजह से भी समता बुद्ध विहार का एक अलग पहचान है, और यहीं पर उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है। आज उनकी दूसरी बरसी है, और आज ही के दिन 6 जून 2020 में यानी कि 2 साल पहले शांति स्वरूप जी का परिनिर्वाण हुआ था। उन्होंने शरीर को त्याग दिया था, और बोधाचार्य शांति स्वरूप जी का जो योगदान है, जो काम है, उसको हमेशा याद करता रहेगा। और उसी के संदर्भ में आप देखें तो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और शांति स्वरूप जी को याद कर रहे हैं। स्मरणांजलि सभा का आयोजन किया गया है, और बोधाचार्य स्वरूप जी की द्वितीय स्मरणांजलि सभा में लोग आए हैं। अलग अलग इलाकों से, दिल्ली और आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि उनको चाहने वाले लोग भी बहुत थे। तमाम जो बहुजन समाज से जुड़ी हुई घटनाएं होती थी, आंदोलन होते थे, सेलिब्रेशन होते थे, या जो भी इस तरह के आयोजन होते थे, उसमें अक्सर हम शांति स्वरूप बोध जी को देखते थे। और एक पूरे देश में, दुनिया में, खासकर अम्बेडकरवादी समाज में शांति स्वरूप बोध जी का जो नाम है वो बहुत सम्मान के साथ लिया जाता था। 2 साल पहले कोरोना की वजह से उनका देहांत हो गया था, और 6 जून 2020 को वो हम सबको छोड़कर चले गए थे। चूंकि कोरोना काल में उनका परिनिर्वाण हुआ तो बहुत सारे लोग उन्हें अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए थे, उनको नमन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय परिवार भी कोविड पॉजिटिव था, तो बहुत कम लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। जिसके बाद से बहुजन समाज के जो लोग थे, जो शांति स्वरूप बोध जी को जानते थे, उनके दिल में ये टीस जरूर थी, उनके दिमाग में ये बात जरूर थी कि शांति स्वरूप बोध जी को वो नहीं देख पाए, अंतिम विदाई उनको नहीं देख पाए। वो लगातार हमारे जहन में ये बात उठती थी, और हम कहते थे कि काश हम उनसे मिल पाते, बात कर पाते, और उनको अंतिम विदाई दे पाते, उनको बता पाते कि उनके लिए कितना सम्मान है लोगों के दिलों में, और वो कितने मिलनसार हैं। मुझे याद है शांति स्वरूप बोध जी से मेरी जो मुलाकात है वो 31 जनवरी 2020 को हुई थी, जब मूक नायक के 100 साल पूरे हुए दरी दस्तक की ओर से एक बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम दिल्ली में अम्बेडकर ऑडिटोरियम में किया गया था, और वहाँ पर शांति स्वरूप जी के साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिला था, उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो इतने मिलनसार है कि एक बार जो उनसे मिल जाए, हमेशा वो उनके उनके प्रभाव में रहे, और उनको बार बार मिलने का मन करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी, कहें कि अम्बेडकरवादी जो चीज़ें हैं, बाबा साहब का जो साहित्य है, विकिपीडिया आप उसको कह सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया की लिविंग इंसाइक्लोपीडिया थे वो बाबा साहब से जुड़ी जानकारी के बारे में। और उनके जो वीडियोज़ हैं वो आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं, लोग उनको देखते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे किस्से वो हमें सुनाते थे जो शायद कहीं को सुनने को नहीं मिलते, पढ़ने को नहीं मिलते, ऐसी लुकी छुपी बातों के रहस्य वो खोलते थे, ज्ञान रंजन करते थे, हम लोगों को सिखाते थे। उनका जो योगदान है उसको हमेशा याद किया जाएगा। और आप देखें कि जो सम्यक प्रकाशन है, सम्यक प्रकाशन ने जिस तरह से भारत में एक बौद्धिक क्रांति लेके आए, सम्यक प्रकाशन की ओर से जो बाबा साहिब का साहित्य है, बहुजन समाज के नायक नायिकाओं से जुड़ी हुई किताबें हैं, खबरें हैं, उसकी जो प्रकाशन करके और लोगों के घर घर तक पहुंचाएं, वो सम्यक प्रकाशन की ओर से किया गया। और सम्यक प्रकाशन ने देश भर में बहुजन साहित्य को पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उस समय जब सम्यक प्रकाशन शुरू किया तो एक दूरदृष्टि देखिए शांति स्वरूप बोध जी की, उन्हें मालूम था कि अगर हमारे लोगों को अंधविश्वास से बचाना है, हमारे लोगों को हमें शिक्षित करना है, जागरूक करना है, तो उन्हें किताबों की ओर लेके जाना पड़ेगा, आडंबर से हटाकर किताबों की ओर लेके जाना पड़ेगा, अपने नायक नायिकाओं से मिलवाना पड़ेगा। और उसी का सबसे बड़ा काम, एक सपना देखते हुए
शांति स्वरूप बोध जी ने सम्यक प्रकाशन की शुरुआत की, और सम्यक प्रकाशन आज एक शानदार पब्लिकेशन हाउस है। सैकड़ों हजारों किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, लगातार उनका जो साहित्य का कहें कि परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी किताबें वो पब्लिश कर चुके हैं और अक्सर भोजन समाज से जुड़े जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ उनको देखने पर मिलता है, वहाँ उनका साहित्य उपलब्ध होता है। तो एक बड़ी क्रांति के तौर पर हम उन्हें याद कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आप देखें उनके जो तमाम चित्र हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, और लोग यहाँ उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जो स्मरण हैं, जो यादें हैं शांति स्वरूप बोध जी के साथ में जुड़ी हुई हैं, जो उनसे मिला, जो उनके संपर्क में आया वो जरूर इस बात को याद करेगा कि ऐसे एक मिलनसार ज्ञानवान व्यक्ति से मिलना बहुत कहें कि एक प्रिविलेज होता है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिलें जिससे मिलकर आप बहुत खुश हों और आपका ज्ञान वर्धन हो, वो आपको ऊर्जा दे। हम उनको कह देते कि ये बुजुर्ग नहीं है, ये जवान है। और मैं आखिरी बार मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी जब हमने उन्हें एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इन्वाइट करने के लिए फोन पर बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं बिजी हूं लेकिन किसी अगले कार्यक्रम में हम जरूर मुलाकात होगी। और मैं उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी प्लान कर रहा था, उनसे बात हुई थी लेकिन वो कार्यक्रम उनके लिए कहा जाता है कि चले गए हैं, तो वो थोड़ा छूट गया। आगे कभी समय मिलेगा तो जरूर हम एक शानदार डॉक्यूमेंट्री उनके संघर्ष पर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो भोजन समाज को रास्ता दिखाते हैं, जो ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, जो आपके दिल में निराशा आ जाए, आप हताश हो जाएं, तो ऐसे लोगों से मिले, उनकी बातें सुने और ये कहें कि हम अम्बेडकरवादी संघर्षों के आदि हैं, सीने ये फौलादी हैं, यानी कितने उग्रवादी हमला कर लें, कितनी बातें कर लें, पीछे हटने वाले नहीं है बाबा साहब। और हमारे जो नायक नायिकाएं हैं उनके जीवन संघर्ष को आप कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं और मनुवाद से लड़ सकते हैं, कामयाबी के शिखर पर जा सकते हैं, कैसे सफल कारोबारी बन सकते हैं, और ये जो सारा बौद्ध जी ने बोधाचार्य ने साबित किया अपने जीते जीते। और अब उनके जाने के बाद इतने जब लोग उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके प्रति समाज कितना सम्मान रखता है, उनको किस तरह से याद किया जाता है। अगर आप भी शांति स्वरूप बोध जी के बारे में कुछ जानते हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, आपने उनका कोई वीडियो देखा है, उसके बारे में लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आपसे भी कोई उनके बारे में याद है, क्योंकि भोजन समाज कैसे प्रतिष्ठित ज्ञानवान और कहें कि इतिहास की एक दिशा तय करने वाले लोगों को हमें सम्मान और उनको याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो मनुवाद से लड़ रहे थे, एक अपना अलग इतिहास बना रहे थे, अपने भोजन समाज को जगाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को याद किया जाना चाहिए, उन्हें सम्मान जरूर देना चाहिए। ये वीडियो स्टोरी मैं दिल्ली के पश्चिमपुरी के समता बुद्ध विहार से कर रहा हूँ, उसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।